नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। बदायूं के सहसवान के नादा में आयोजित चुनावी सभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये वो क्षेत्र है जहां पर समाजवादियों को ताकत मिलती है। गुन्नौर के बाद अगर सबसे बड़ी जीत कहीं होने जा रही है तो सबसे बड़ी जीत सहसवान विधानसभा क्षेत्र में होने जा रही है। सहसवान के लोग ज्यादा मतों से जिताएंगे या फिर जसवंत नगर के लोग जिताएंगे। बदायूं की जनता ने इतना प्यार दिया है कि अब चाचा सहसवान से होकर रह जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि 7 तारीख का चुनाव भाजपा को 7 समंदर दूर फेंक देगा। यह तीसरा चरण उनका सफाया करने जा रहा है। पहले और दूसरे चरण में भाजपा को जनता ने पलटा है, तीसरे चरण में लोग इनका सफाया करने जा रहे हैं। इन्होंने कोई वर्ग नहीं छोड़ा है जिससे इन्होंने नकली बात ना की हो। यही लोग कहते थे कि आय दोगुनी कर देंगे। किसान हिसाब किताब लगाता है तो घाटा हो रहा है। सपा मुखिया ने कहा कि जो लोग कहते थे कि आय दोगुनी कर देंगे, वे लोग किसानों की जमीन छीन लेना चाहते थे। वही लोग 3 काले कानून लाए थे, किसानों के आंदोलन के चलते कानून वापस लेने पड़े, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। यही वह लोग हैं जो MSP की गारंटी नहीं दे रहे हैं। सरकार बनने के बाद MSP का कानून हक दिलाएंगे। अखिलेश यादव ने कोविड वैक्सीन को लेकर भी भाजपा पर सियासी वार किए। कहा कि इस सरकार से सिर्फ संविधान को ही नहीं, हमारी आपकी जान को भी खतरा है। चुनावी सभा में सपा के महासचिव शिवपाल सिंह यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी, लक्ष्मण यादव, पूर्व विधायक हाजी बिट्टन, पूर्व मंत्री ओमकार सिंह यादव, आशीष यादव, बाबर मियां, सतीश यादव, मंगेराम कश्यप, नवाब सिंह ने भी विरोधियों को करारा जवाब देने का आह्वान किया है। सपा प्रत्याशी आदित्य यादव ने कहा कि सहसवान अपना रिकॉर्ड फिर बनाएगा। भाजपा ने नौजवानों की अनदेखी की है, बेरोजगारी चरम पर चली गई है। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई मुद्दा है। ये चुनाव संविधान खत्म करने के प्रयास को विफल करने का भी चुनाव है। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 में कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री मत समझना, मुझे चौकीदार समझना, जबकि आज किसान अपने खेत में सिर्फ चौकीदार बनकर रह गया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।